तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के अंडर पढ़ते हो तो आज वीडियो पे मैं आपका एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो अभी आपके स्क्रीन में सारा क्वेश्चन दिख रहा होगा कि किस टॉपिक पर बात हो रहा हूं। वीडियो को स्किप मत करना, लेकिन उससे पहले चैनल पहली बार है सब्सक्राइब करो, बेल आइकन बजाओ ताकि आपको इस तरीके से इन्फॉर्मेटिव एजुकेशन वीडियोस मिले। तो स्टार्ट करते वीडियो को। तो ये वाला देख सकते हो, अगर यहाँ पे लिखा है पॉइंट नंबर 10 एग्जामिनेशन एवोल्यूशन एंड जब आपका ग्रेडिंग है वो किस तरीके से होता है। तो लिखा है कि अगर स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर को एक साथ उनका एग्जामिनेशन को नहीं दे सकते। मान लो स्टूडेंट का फर्स्ट सेमेस्टर में बैक है, फर्स्ट सेमेस्टर का जो बैक एग्जामिनेशन और फिफ्थ सेमेस्टर का रेगुलर एग्जामिनेशन के साथ नहीं दे सकते। यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है, ठीक है। यहाँ का लिखा है कि अगर स्टूडेंट का सेकंड सेमेस्टर में बैक है तो सेकंड सेमेस्टर और जो सिक्स्थ सेमेस्टर का रेगुलर एग्जामिनेशन है उसके साथ वो सेकंड सेमेस्टर का बैक एग्जामिनेशन नहीं दे सकता है। अब देखिए सकते हो क्लियरली लिखा है, नो स्टूडेंट विल बी अलाउड टू अपीयर इन द सेकंड एंड सिक्स्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन, मतलब एक साथ नहीं दे सकते। अब लोग पूछोगे कि ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे रीजन है कि जो फर्स्ट सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन होता है वो एक साथ होता है, वाइल जो थर्ड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन होता है वो अलग तरीके से होता है, फिर अलग डेट से अलग सेपरेटली में होता है। और सिमिलरली जो सेकेंड एंड सिक्स सेमेस्टर एग्जामिनेशन होता है वो एक साथ होता है, बाकी जो फोर्थ सेमेस्टर का एग्जामिनेशन होता है वो अलग से या सेपरेटली या सेपरेट डेट में होता है। ये है रीजन, इसलिए आप एग्जामिनेशन एक साथ नहीं दे सकते हो। आपका कुछ भी डाउट है तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। फिर बहुत सा स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन आता है कि भैया या भाई मैं वापस से मैं बेटरमेंट एग्जामिनेशन देना चाहता हूँ, अगर मैं बेटरमेंट एग्जामिनेशन दूँ तो क्या मैं पहला जो मार्क्स मिला था वो कंसीडर किया जाएगा, फिर जो मैं बेटरमेंट एग्जामिनेशन दूंगा उसको कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो तो अच्छे से लिखा गया है, अच्छे से मैं समझा। तो यहाँ पे लिखा स्टूडेंट्स विल बी अलाउड टू रीअपीयर ओनली इन द नेक्स्ट सिमिलर एग्जामिनेशन, मतलब आपका जो अगर बेटरमेंट एग्जामिनेशन देना चाहते हो तो आपका जो नेक्स्ट सिमिलर एग्जामिनेशन होगा, मतलब अगर फर्स्ट सेमेस्टर का बेटरमेंट एग्जामिनेशन देना चाहते हो तो नेक्स्ट टाइम जब वापस से फर्स्ट सेमेस्टर का रेगुलर एग्जामिनेशन होगा तो उसके साथ अपना बेटरमेंट एग्जाम दे सकते हो। यहाँ तक तो आपको पता है, लेकिन जो ग्रेड्स ऑब्टेन आइडर इन earlier examination or in the subsequent examination whichever is higher will be awarded to the student, मतलब अगर मान लो कि आपने आप बेटरमेंट एग्जामिनेशन दिया और अगर आपको बेटरमेंट एग्जामिनेशन ज्यादा मार्क्स मिलता है आपके पहले एग्जाम के मुकाबले, तो आपको जो बेटरमेंट एग्जामिनेशन हायर मार्क्स है उसको कंसिडर किया जाए। मतलब अगर आपका बेटरमेंट एग्जामिनेशन अब दो या फिर आपका पहले का जो ग्रेड है जिस दोनों में से कंपेयर में जो हायर होगा उसको काउंट किया जाएगा। तो आप जो क्वेश्चन होता है कि कौन सा काउंट करेगा, फिर कौन सा होगा जो आपका हायर मार्क्स होगा दोनों के बीच में, बेटरमेंट एग्जामिनेशन और जो आपका प्रीवियस एग्जामिनेशन जिसके लिए जिस सब्जेक्ट के लिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए आप बेटरमेंट एग्जामिनेशन दे रहे हो दोनों में से जिसका आपका ग्रेड या पॉइंट हायर होगा उसको कंसिडर किया जाएगा। यहाँ पे अच्छे से लिखा गया है, तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, ठीक है। यहाँ पे लिखा कि नो बेटरमेंट विल बी अलाउड इन इंटरनल और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन इन सेमेस्टर, मतलब कोई आपके इंटर या आपका कोई प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन उसके लिए आपको कोई बेटरमेंट एग्जामिनेशन नहीं दे सकते, ठीक है। सिर्फ आपका थ्योरी पेपर के लिए आप आपका बेटरमेंट एग्जामिनेशन दे सकते हो। फिर आप एक क्वेश्चन करते हो कि भैया या भाई मैं अभी कितना मुझे साल मिलेगा, आप मेरा जो कोर्स हो गया फिर जो मेरा एरियर का एग्जामिनेशन या फिर बेटरमेंट चांसेस जो हो गया वो कितना साल के लिए मुझे मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है क्लियरली, देखो स्टूडेंट मस्ट पास ऑल ही सर सेमेस्टर एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग एरियर हो गया या चाहे आपका बेटरमेंट चांसेस विद इन सिक्स ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन टू द फर्स्ट सेमेस्टर। इन दिस कॉन्टेक्स्ट सिक्स ईयर मीन सिक्स एकेडमिक सेशंस। एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। मान लो कि आपने अपना फर्स्ट सेमेस्टर का जो एडमिशन है वो आपने 2017 ईयर में किया है, ठीक है। 2017 से लेकर जो आपका सिक्स ईयर काउंट होता है, मतलब 17 से लेकर आप खुद ही काउंट कर सकते हो, आपका जो एडमिशन का डेट हो गया फर्स्ट सेमेस्टर के लेकर आपका सिक्स ईयर उसके बाद का आता है, उतना टाइम आपको मिलता है आपका डिग्री या जो सेमेस्टर होता है या फिर आप चाहे बेटर में देना चाहो उस टाइम में आपको क्लियर करना होगा, ठीक है। तो जो भी आपका डेट ऑफ एडमिशन हो गया फर्स्ट सेमेस्टर से लेके आपको टोटल सिक्स ईयर्स मिलता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। चाहो तो पॉज करके पढ़ो ताकि आप अच्छे से इसको कैलकुलेट करके एडिशन करके आप समझ सकते हो कि आपका सिक्स ईयर्स कितना टाइम में होगा, ठीक है। मैंने बस आपको एग्जांपल दिया, बाकी यहाँ से आप समझ ही सकते हो। तो यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हो, यहाँ पे लिखा गया है कि आपका जो एरियर एग्जामिनेशन हो गया आप कौन सा सेमेस्टर के साथ दे सकते हो। तो देख सकते हो फर्स्ट सेमेस्टर विद रेगुलर थर्ड सेमेस्टर, मतलब अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में आपका एरियर है तो आप उसको एग्जामिनेशन अपने थर्ड सेमेस्टर का रेगुलर एग्जामिनेशन है आपका उसके साथ दे सकते हो। अगर सेकंड सेमेस्टर में आपका एरियर है तो आप उसको आपका रेगुलर फोर्थ सेमेस्टर के साथ दे सकते हो। अगर आप थर्ड सेमेस्टर में आपका एरियर है तो उसको रेगुलर फिफ्थ सेमेस्टर के साथ दे सकते हो। अगर आपका फोर्थ सेमेस्टर में आपका एरियर है तो उसको रेगुलर सिक्स सेमेस्टर एग्जामिनेशन के साथ दे सकते हो। देख ही सकते हो यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है। तो आप लोग मुझे क्वेश्चन करते हो रेगुलरली कि मैं कोई स्टूडेंट का अगर मान लो फर्स्ट सेमेस्टर में एरियर है तो क्या थर्ड सेमेस्टर में एरियर क्लियर कर सकता है कि सिक्स सेमेस्टर एग्जाम देने के बाद क्लियर कर सकता है। यहाँ पे एक पॉइंट है 9 नंबर में क्रेडिट्स एंड अटेंडेंस। तो मान लो कि कोई स्टूडेंट का अटेंडेंस की वजह से, मान लो कि स्टूडेंट का अटेंडेंस 75% के बिलो हो गया, तो अगर उस अटेंडेंस के रीजन की वजह से वो फर्स्ट सेमेस्टर एरियर एग्जाम का नहीं दे पा रहा है तो उसके लिए क्या है, क्या प्रोसेस है, यहाँ पे देख सकते हो लिखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे क्लियरली लिखा गया, अगर आपका एरियर है फर्स्ट सेमेस्टर में और आपका अटेंडेंस की वजह से अगर आपका अटेंडेंस 75% के बिलो है तब आपका जो एग्जामिनेशन है उसको आपको सिक्स सेमेस्टर क्लियर करने के बाद देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट, आप देख सकते हो इफ अ स्टूडेंट फेल्स टू सिक्योर द नेसेसरी क्रेडिट इन द फर्स्ट सेमेस्टर देन ही कैन रजिस्टर इन द सेकेंड एंड
subsequent semester. And only after successful completion of the sixth semester can he see repeat the first semester to under deficit credit. या मान लो कि कोई student का year हो गया first semester में, तो वो चाहे तो second, third, बाकी जितना भी semester आगे होगा उसमें admission या फिर उनका अपना नाम register कर सकते हैं. लेकिन एक बार जब अपना sixth semester complete कर ले, clear कर ले, pass out हो ले, उसके बाद उनका first semester का examination को दे सकते हैं, ताकि जो deficit हो गया credits में, attendance में 75% के नीचे अगर हुआ attendance, उसको earn करने के लिए. तो यहाँ पे कुछ process है, कुछ steps है. आपको अगर complicated लग रहा है तो मैं आपको कहूँगा कि इस पेज में आके आप जाओ, जितना भी स्टेप्स हो गया, रेगुलेशन हो गया, आप खुद से पढ़ो, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो. और अगर आप एक चीज कहूंगा कि आपके अटेंडेंस को आप 75% के अबव रखने की कोशिश करो, ताकि आपके लिए अच्छा हो. बाकी यही था वीडियो, कैसा लगा कमेंट करो. अगर आपको लगा कि मैं वीडियो में कुछ गलत बोल दिया, फिर कुछ पॉइंट मिस आउट कर दिया, तो उसके लिए पहले सॉरी कहना चाहता हूँ. ये था वीडियो, शेयर करो, क्योंकि जितना नॉलेज शेयर करोगे उतना नॉलेज गेन होगा. बाकी कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो. देखने के शुक्रिया. ग्रेट, बाय.